हमारे देश में आदिवासी समुदाय द्वारा कई उत्सव मनाए जाते हैं। कर्मा उत्सव भी इनमें से एक है। इस पर्व में बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र एवं सुख समृद्धि के लिए पूजा आदि करती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, झारखंड में कई आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। इनमें पर्व उत्सव एवं परंपराएं भी अलग अलग है। इनमें से एक है कर्मा पर्व। यह उत्सव झारखंड के अलावा उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम में भी मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बहनों द्वारा भाइयों की सुख समृद्धि एवं दीर्घायु की कामना करना। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि आखिर कर्मा पर्व कैसे मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कर्मा पर्व के कुछ दिन पहले युवतियाँ नदी या तालाब से बालू उठाकर डाली में डालते हैं। इसमें 7 प्रकार के अनाज भी होती है, जौ, गेहूँ, मक्का, धान, चना, उड़द, कुलथी। जी हाँ दोस्तों, इसमें 7 प्रकार के अनाज होती है, जो कि जौ, गेहूँ, मक्का, धान, चना, उड़द, कुलथी आदि होती है। दूसरे दिन से युवतियाँ रोज उसकी पूजा करती है और हल्दी पानी से सींचती है। जी हाँ दोस्तों, इसको हल्दी पानी से सींचती है। इसके बाद युवतियाँ विशेष गीत गाती है और नृत्य भी करती है। यह क्रिया प्रतिदिन होती है जब तक पूजा न हो जाए। और पूजा के दिन गांव के बुजुर्ग नाचते गाते हुए करम का पेड़ की डाली से घर घर के आंगन में गली या आंगन में या गली में गाड़ते हैं और बहने सजी हुई थाली लेकर उसकी पूजा करते हैं और अपने भाई की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है। इसके बाद रात भर उत्सव होता है। अगले दिन करम डाली को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये था कर्मा का पर्व के कैसे मनाया जाता है। तो कर्मा से जुड़ी और भी इतिहास है, इसकी कहानियाँ भी है, उसकी भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वो उसका इतिहास, इसकी जो कहानी है, वो अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को वो भी आप जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।